नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है अर्षित द्विवेदी और मैं आपको स्वागत करता हूं अपने इस वीडियो में। देखिए, इस वीडियो में क्लाइमेट चैप्टर के बारे में हम लोग बात करेंगे। ये चैप्टर 4 है आपकी क्लास 9th की ज्योग्राफी की किताब का। और मैं आपसे बोलूंगा कि एनसीईआरटी क्लास 6 से क्लास 12th को अगर आप देखो ज्योग्राफी में, तो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये ज्योग्राफी में। इस चैप्टर को अगर आपने समझा तो आप एक बहुत मेजर हिस्सा ज्योग्राफी का, जिसमें सबसे ज्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, वो समझ जाएंगे। इस चैप्टर को किसी एक वीडियो में बना नहीं सकते। इसमें बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस बताऊंगा जिसपे मैंने पहले वीडियो बना रखी है, बहुत सारे और मैं आगे वीडियोस बनाऊंगा आपके लिए आने वाले 2 से 3 दिनों में। और इसमें धीरे धीरे करके मैं इस टॉपिक को, इस चैप्टर को कवर करूंगा। देखिए, पढ़ के तो मैं 15 मिनट में इसको खत्म कर सकता हूँ, बट उसका मतलब नहीं, आपको समझ में आना चाहिए। तो शुरुआत करते हैं इस चैप्टर की। क्लाइमेट इसका टाइटल है। लास्ट 2 चैप्टर से हमने क्या क्या देखा? हमने देखा किस तरीके के लैंडफॉर्म्स है इंडिया में, और ड्रेनेज सिस्टम क्या है, रिवर सिस्टम क्या है इंडिया का। ये 2 बेसिक एलिमेंट्स देखें, टोटल 3 बेसिक एलिमेंट्स है। तो लैंडफॉर्म, ड्रेनेज के अलावा तीसरा एलिमेंट क्या निकल के आता है? तीसरा एलिमेंट निकल के आता है दोस्तों आपका क्लाइमेट। ठीक है, मतलब वो एटमॉस्फेरिक कंडीशंस जो कंट्री में प्रिवेल करती हैं। तो आप देखोगे कि दिसंबर के महीने में हम लोग गर्म कपड़े पहनते हैं, वूलन कपड़े पहनते हैं। वहीं पे जब मई जून का महीना आता है, उस समय पे हम लोग बहुत ही हल्की टी शर्ट या हल्की शर्ट पहनेंगे, चूंकि एकदम भारी शर्ट या डार्क शर्ट पहनेंगे तो हमको गर्मी लगेगी। तो लैंडफॉर्म और ड्रेनेज के अलावा हमारे वेदर पैटर्न क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक कंडीशंस क्या है, कुल मिला के हमारा क्लाइमेट क्या है, इसको हमें समझना पड़ेगा। अब देखिए, क्लाइमेट और वेदर में क्या फर्क है, इस पर मैं ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो बना चुका हूं। क्लाइमेट वर्सेस वेदर, मेरे नाम के साथ आप यूट्यूब में सर्च मारिए, आपको सबसे पहली वीडियो मिल जाएगी। देखिए, सामने दिख रही है डिफरेंस बिटवीन क्लाइमेट एंड वेदर विद एग्जांपल्स। ये वीडियो मैंने बनाई थी लगभग 2 महीने पहले। इसमें क्लाइमेट और वेदर के कंपैरिजंस को मैंने समझा रखा, और इन्हीं कंपैरिजन को दोस्तों मैंने अपनी एनसीईआरटी की क्लास 7 साइंस की किताब में भी समझाया है। देखिए, सेकंड वीडियो देखिए, क्लास 7 साइंस एनसीईआरटी फॉर यूपीएससी, इसमें चैप्टर नंबर 7, जहां पे वेदर, क्लाइमेट एंड एडेप्टेशन ऑफ एनिमल्स टू क्लाइमेट के बारे में मैंने बातचीत करी है। तो क्लाइमेट वेदर के कंपैरिजन को अगर आप जानना चाहते हैं तो रिफर टू दीज वीडियोस, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहां पे मैं एक शब्द में बताने की कोशिश करूं तो देखिए, वेदर क्या बताता है? वेदर बताता है कि एक जगह पे क्या टेम्परेचर है, क्या एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, क्या विंड का सीन है, क्या ह्यूमिडिटी है, क्या प्रेसिपिटेशन, एक छोटे टाइम पीरियड के लिए, कुछ घंटों के लिए या 1 या 2 दिन के लिए। लेकिन जब इसी वेदर पैटर्न को हम लोग एक बहुत बड़े समय के लिए एनालाइज करते हैं, मान लीजिए 30 साल से ज्यादा के टाइम पीरियड के लिए एनालाइज करते हैं, तो वही चीज क्या बन जाती है? वही चीज बन जाती है आपकी क्लाइमेट। तो वेदर इज अ शॉर्ट टर्म फिनोमिना, क्लाइमेट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमिना। ठीक है, अगर आप वेदर कंडीशन की बात करो दोस्तों, तो वेदर कंडीशन एक दिन में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट होती नजर आएंगी। जैसे मुंबई की अगर आप बात करो दोस्तों, अगर आप मुंबई में रह रहे हो इस समय पे, खासकर अभी मैं जुलाई में इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूं, जुलाई में सुबह सुबह हो सकता है आप उठो एकदम तड़की धूप निकली हुई, दोपहर तक एकदम तड़तड़ा के पानी बरसने लगे, मानसून का वो चल रहा है, सीजन चल रहा है। तो लोकल वेदर किस स्पीड से बदलेगा आपको पता ही नहीं है। तो मुंबई जैसे शहरों में लोग हमेशा अपने पास छाता लेके चलते हैं, खासकर जुलाई अगस्त के महीनों में कब पानी बरसने लगेगा मालूम ही नहीं है। कुछ इस तरीके का वेदर आपका लंदन में भी होता है, कब पानी बरसने लगे मालूम ही नहीं है। लेकिन ये वेदर कंडीशंस है जो कि घंटों के बेसिस पे, मिनट्स के बेसिस पे बदल सकती हैं। लेकिन वहीं जब आप बात करते हो क्लाइमेट की, तो क्लाइमेट में जब आप पैटर्न देखते हो तो ओवर अ बिग टाइम स्पैन देखते हो, 30 साल से ज्यादा के लिए पीरियड में आप देखोगे तो वो बन जाएगा आपका क्लाइमेट। ठीक है, लेकिन देखिए, अगर दोस्तों वेदर कंडीशंस को ना बहुत ज्यादा छोटे और ना बहुत ज्यादा बड़े टाइम पीरियड में हम कंपेयर करें तो हमें एक पैटर्न दिखता है। फॉर एग्जांपल, वेदर को अगर हम लोग कंपेयर करें कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के हिसाब से, तो इंडिया में आप देखोगे दोस्तों कुछ हफ्तों या कुछ महीनों के लिए अलग अलग वेदर होता है। कभी या तो बिल्कुल ही गर्मी पड़ रही होगी, कभी बिल्कुल ही सर्दी पड़ रही होगी, कभी बहुत ज्यादा हवा पड़ रही होगी, या कभी बिल्कुल काम होगा, कभी बहुत ज्यादा क्लाउडी होगा, कभी बहुत ज्यादा ब्राइट होगा, वेट होगा, ड्राई होगा। हमारे यहां पे देखा जाए तो नॉर्मली 3 सीजन आते हैं इंडिया में। एक है आपका विंटर सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन। मुंबई की बात करो आप तो जून 15 से लेके समझ लीजिए 15 सितंबर तक आपका रेनी सीजन रहता है, क्योंकि गजब पानी बरसता है। और सिर्फ मुंबई नहीं, ये जो साउथ वेस्ट मानसून आता है आपका, अब देखिए ये है आपका, यहां से हवाएं आके आपकी हिट करेंगी, तो आ किस डायरेक्शन से रही? साउथ वेस्ट से रही, तो कुछ लोग इसको साउथ वेस्ट मानसून बोलते हैं, और भी इसके बहुत से नाम है। तो ये मानसून जब हमारे वेस्टर्न कोस्ट को हिट करता है तो केरला में, महाराष्ट्र में, आपका कर्नाटका में, बहुत जगहों पर बारिश करता है, मुंबई में बारिश करता है। ठीक है, तो ये रेनी सीजन हो जाएगा।
उसी तरीके से अगर आप सर्दियों के महीनों में उत्तर प्रदेश में चले जाइए, दिसंबर जनवरी के टाइम पे तो वहां सर्दी का सीजन चल रहा होगा, तो ठंडी पड़ रही होगी तो आपको गर्म कपड़े पहनने पड़ेंगे। तो इस तरीके से आप सीजन को डिसाइड करते हो। खैर ये तो कोई बहुत बड़ी बात है नहीं, आपको इसके बारे में मालूम है। तो देखिए इंडिया एक क्लाइमेटिक रीजन है, वेदर पैटर्न को और जो प्रिवेलिंग एटमॉस्फेरिक कंडीशंस हैं उनको हम हफ्तों के हिसाब से भी देख सकते हैं, घंटों के हिसाब से भी देख सकते हैं, साल के हिसाब से भी देख सकते हैं, और एक बहुत बड़े टाइम पीरियड पे यानी 30 साल से बड़े टाइम पीरियड के बेसिस पे भी देख सकते हैं। जब हम एक बहुत बड़े टाइम पीरियड के बेसिस पे किसी एक पर्टिकुलर रीजन की क्लाइमेटिक कंडीशंस को देखते हैं तो हम उसको बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स में बांटते हैं। देखिए दोस्तों क्लाइमेटिक रीजन्स के बेसिस पे बांट रहा हूं मैं, क्योंकि क्लाइमेटिक रीजन्स कितने बड़े टाइम स्केल पे मेजर किए जा रहे हैं, 30 साल से ज्यादा के लिए वहां पे जो वेदर पैटर्न चल रहा है उसके बेसिस पे ये क्लाइमेटिक रीजन्स बांटे गए। तो दुनिया भर में बहुत सारे क्लाइमेटिक रीजन्स है दोस्तों, वो क्लाइमेटिक रीजन सही समय पे आने पे मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा, अभी जो बता रहा हूं सुनते रहिए। हमारे यहाँ जो शब्द है दोस्तों, हमारे यहाँ पे जो इंडिया में जिस टाइप का क्लाइमेट कहा जाता है उसको बोला था मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट। ये निकला एक अरेबिक वर्ड मौसम से जिसका मतलब होता है सीजन। मौसम हम लोग कहते हैं ना मौसम कैसा है, तो हल्का सा इसको अरेबिक कर दिए तो मौसम हो जाता है, मौसम मतलब क्या सीजन है, और इससे ये वर्ड बना है मॉनसून। मॉनसून होता क्या है, मॉनसून इज एक्चुअली द सीजनल रिवर्सल इन द विंड डायरेक्शन ड्यूरिंग अ ईयर। अब देखिए यूपीएससी में सवाल पूछा गया, यूपीएससी में यही सवाल पूछा गया कि भैया हमारे यहाँ का वेदर पैटर्न कैसा है, तो सीधी सीधी बात है एक ऑप्शन था सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड। अगर आपको ये पता है कि आपके यहाँ का वेदर पैटर्न मानसून का है और मानसून होता क्या है सीजनल रिवर्सल ऑफ विंड डायरेक्शन, तो आप आराम से यूपीएससी का प्रीलिम्स का सवाल अटेम्प्ट कर सकते हो, जो कि कुछ लोगों को उस समय पे बहुत मुश्किल लगा। क्लास नाइन्थ की हिस्ट्री किताब में, सॉरी क्लास नाइन्थ की ज्योग्राफी किताब में दे रखा है, फिर लोग बोलते हैं कि एनसीईआरटी में है क्या, हम पढ़े क्यों एनसीईआरटी। आगे चलते हैं, देखो मेरे हिसाब से जो लोग मुझे फॉलो करते हैं मैं तो उनसे बोलूंगा एनसीईआरटी ध्यान से देखिए। बाकी यार अच्छा एक और मैं आपको चीज बताऊंगा, मैंने एनसीईआरटी नहीं पढ़ी है, मैंने बहुत बड़ी गलती की अपनी पढ़ाई के टाइम पे। बाद में मैंने जब अपने रीजंस को एनालाइज करना शुरू किया कि यार चलो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, जब मैं यूट्यूब की वीडियोस बना रहा था तो मैंने बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स देखे जो कि एग्जाम्स में आए जो एनसीईआरटी में थे पर बाकी जगह पे मुझे नहीं मिले। इसलिए मेरे जो व्यूअर्स हैं मैं उनको ये बोलूंगा कि आप एनसीईआरटी पे ध्यान दीजिए। बाकी जो टॉपर्स हैं आप देखिए, कोई टॉपर वीडियो बना के बोल रहा है कि एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं उस पर क्या बोल सकता हूँ, वो तो टॉपर है, उसने एग्जाम क्वालिफाई किया है। मैं तो वही बताऊंगा जो मेरे हिसाब से सही है, ये आप पे डिपेंड करता है आपको क्या करना है। अब क्लाइमेट ऑफ इंडिया क्या है, मानसून टाइप है। एशिया में जो मॉनसून टाइप क्लाइमेट है ये आपका साउथ एशिया में मिलता है और साउथ ईस्ट एशिया में मिलता है, ठीक है। अच्छा ये भी चीज कभी आप लोगों के दिमाग में डाउट आती है, मोस्ट प्रॉब्ली आती होगी दोस्तों, कई बार मुझे पता है क्योंकि मैंने पढ़ते वक्त जिस प्रॉब्लम्स को झेला है वो प्रॉब्लम्स आपके दिमाग में भी आती होंगी। साउथ एशिया क्या है और साउथ ईस्ट एशिया क्या है, कभी कभी आपके दिमाग में आता होगा कि भाई साउथ एशिया का नाम आता है न्यूज़पेपर में, साउथ ईस्ट एशिया का नाम आता है, ये है क्या। तो मैं आपको यहां बताता हूं साउथ एशिया में क्या क्या आता है। अफगानिस्तान आ गया, पाकिस्तान आ गया, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव्स, इंडिया, भूटान और बांग्लादेश, ये सब हिस्से हो गए आपके इसके साउथ एशिया के, ठीक है। अब अंडमान निकोबार आइलैंड्स इंडिया का हिस्सा है तो ऑब्वियसली बात है वो भी साउथ एशिया में काउंट किया जाएगा। बट कभी कभी कुछ अगर ज्योग्राफिकल फीचर्स के हिसाब से एग्जैक्टली आप मैच करो तो कभी कभी अंडमान निकोबार आइलैंड्स को साउथ ईस्ट एशिया में भी गिन लिया जाता है, बट वो है तो इंडिया का पार्ट। अब साउथ ईस्ट एशिया में क्या क्या आता है, तो इस मैप में आपको नजर आ रहा म्यांमार के और ईस्ट में आना शुरू हुई है तो आपको नजर आ जाएगा थाईलैंड, तो थाईलैंड आ जाएगा साउथ ईस्ट एशिया में, कुछ हद तक म्यांमार भी आएगा। तो आप देखोगे दोस्तों अगर साउथ एशिया को आप देखो, यहां पे आपको ये कंट्रीज नजर आ रही हैं साउथ एशिया की, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका। कुछ लोग कहते हैं कि म्यांमार का एक छोटा मोटा हिस्सा साउथ एशिया में आता है, मैक्सिमम लोग का ये बोलना है कि ऑलमोस्ट पूरा म्यांमार साउथ ईस्ट एशिया में आता है। तो कुछ हिस्सा लोग कहते हैं म्यांमार का साउथ एशिया में भी आता है और कुछ हिस्सा म्यांमार का, इनफैक्ट मैक्सिमम ऑफ द हिस्सा म्यांमार का साउथ ईस्ट एशिया में आता है। अगर आप पॉलिटिकल ग्रुपिंग के हिसाब से बात करो तो पॉलिटिकल ग्रुपिंग के हिसाब से साउथ ईस्ट एशिया में आ जाएगा आपका म्यांमार, साउथ एशिया में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप जियोलॉजिकल ग्रुपिंग के हिसाब से देखो, ज्योग्राफी के हिसाब से देखो, तो म्यांमार का कुछ हिस्सा आपका साउथ एशिया में भी आ जाता है। बट पॉलिटिकल ग्रुपिंग के हिसाब से आप म्यांमार को साउथ ईस्ट एशिया का पार्ट बोलोगे। तो क्या क्या आ गया, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, पेनिनसुलर मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, ये सब आ जाएंगे आपके कहां पे, साउथ ईस्ट एशिया में। इसमें ब्रूनेई दारुसलाम, फिर आपका कुछ हिस्सा फिलीपींस का भी, सिंगापुर, ये सब आपके किसमें आ गए, साउथ ईस्ट एशिया में। एक बार इसका मैप भी देख लेते हैं दोस्तों, यहां पे आपको ग्रीन रंग में बर्मा दिख रहा है, इंडिया
वॉलेट में दिखा रखा है, उसके जस्ट ईस्ट में देखिए बर्मा, बर्मा के जस्ट ईस्ट में आपका थाईलैंड, उसके साथ सटा हुआ है लाओस, लाओस के बाद वियतनाम, थाईलैंड लाओस और वियतनाम के नीचे आपको नजर आ रहा है कंबोडिया, थाईलैंड के नीचे आपको टच करता हूं मिलेगा मलेशिया, बोर्नियो भी दिख रहा है बोर्नियो आइलैंड, ऊपर की तरफ आपको नजर आएगा ब्रुनेई दारुसलाम, फिलीपींस, ये सब, और सिंगापुर भी आपका, ये सब आपका साउथ ईस्ट एशिया में आते हैं। मैंने एग्जैक्टली मार्क करके इसलिए नहीं दिखाया, अलग से पीपीटी में इस मैप को इसलिए नहीं लिया है क्योंकि कुछ मेहनत आप भी करो, ठीक है। अब देखिए, अगर हम अपने देश की बात करें दोस्तों, तो हमारे देश में ओवरऑल देखा जाए, अगर क्लाइमेटिक कंडीशंस की बात करें तो ओवरऑल अगर कोई आउटसाइडर स्टडी कर रहा होगा तो यूनिफॉर्म तरीके से हमारे क्लाइमेटिक कंडीशंस को दिखाएगा, बट हमारे यहाँ पे बहुत जबरदस्त रीजनल वेरिएशंस मिलते हैं, क्योंकि हमारा लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी बड़ा है और हमारा लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी बड़ा है। और अब तक अगर आप मेरी वीडियोस को फॉलो कर रहे हो तो आपको लैटिट्यूडनल एक्सटेंड भी पता होगा और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड भी पता होगा। तो अगर ये इंडिया का नक्शा है तो ये हो जाएगा आपका यहां से लेके यहां तक, ऊपर से लेके नीचे तक हो जाएगा आपका लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, और यहां से वेस्टर्न एंड से लेके ईस्टर्न एंड तक हो जाएगा आपका लॉन्गिट्यूडनल। तो ये है लॉन्गिट्यूडनल और ये है लैटिट्यूडनल एक्सटेंड, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर की बात की जाए तो आप देखोगे राजस्थान के डेजर्ट में गर्मियों में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है, लेकिन जम्मू एंड कश्मीर के अगर आप पहलगाम की बात करेंगे तो वहां पे उस समय पे गर्मियों में टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। वहीं पे जम्मू एंड कश्मीर के द्रास सेक्टर में एक सर्दी की रात में -45 डिग्री टेम्परेचर भी जा सकता है। वहीं पे उसी समय पे सर्दियों में तिरुवनंतपुरम में टेम्परेचर हो सकता है 22 डिग्री हो, दोनों इंडिया में। तो आप समझ सकते हैं हमारा लैटिट्यूडनल वेरिएशन कितना बड़ा है। और भी कुछ पता रखा है, कुछ कुछ जगहों पे डे और नाइट के टेम्परेचर वेरिएशन तगड़े होते हैं। अगर आप थार डेजर्ट राजस्थान की बात करो, दिन में जो टेम्परेचर 50 डिग्री है, शाम को कभी कभी 15 डिग्री सेंटीग्रेड भी पहुंच जाता है उसी रात में। तो दिन में जो 50 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर था वो रात में पहुंच गया 15 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पर अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स में चले जाओ, केरला में चले जाओ, तो दिन के और रात के टेम्परेचर में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। अब आप बोलोगे कि भैया थार डेजर्ट में इतना तगड़ा टेम्परेचर वेरिएशन और अंडमान एंड निकोबार और केरला में उतना तगड़ा वेरिएशन क्यों नहीं मिल रहा? देखिए थार डेजर्ट में कॉन्टिनेंटैलिटी का फिनोमिना होता है। अब ये कॉन्टिनेंटैलिटी क्या होती है, ये आगे इसी चैप्टर में आएगा, थोड़ा पेशेंस रखिए। वहीं पे अगर आप अंडमान निकोबार आइलैंड्स की बात करोगे तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स इक्वेटर के बहुत पास है, प्लस अंडमान एंड निकोबार आइलैंड समुद्र के बहुत पास है। यही चीज आप केरला के लिए कह सकते हो। तो जो चीज पहली बार समुंदर के पास होती है वहां पे समुंदर का मॉडरेटिंग इफेक्ट होता है, और जब समुंदर का मॉडरेटिंग इफेक्ट होगा तो एक्सट्रीम वेरिएशंस इन टेम्परेचर नहीं मिलेंगे आपको, ठीक है दोस्तों। केरला की यही वजह है कि वहां पे, इनफैक्ट केरला छोड़िए बहुत से ऐसे इलाके हैं जो कि कोस्ट में आते हैं, जब समुंदर का मॉडरेटिंग इफेक्ट आता है तो डे और नाइट के टेम्परेचर में ज्यादा मिसमैच आपको नहीं मिलेगा। हाँ, ह्यूमिडिटी आपको ज्यादा मिलेगी तो आपको गर्मी लग ज्यादा सकती है, बट टेम्परेचर में उतना फर्क नहीं मिलेगा। अब हम प्रेसिपिटेशन की बात करते हैं, प्रेसिपिटेशन मतलब बारिश की बात करते हैं। देखिए हमारे देश के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग अमाउंट ऑफ प्रेसिपिटेशन मिलता है। अब अगर आपको प्रेसिपिटेशन में प्रॉब्लम आ रही हो दोस्तों, थोड़ा सा पेशेंस रखिए, क्योंकि इसी वीडियो के एंड में, मतलब इस चैप्टर के एंड में पूरे पूरे ग्राफ के साथ बताया गया कि हमारे देश के कौन कौन से हिस्सों में कितना प्रेसिपिटेशन होता है। यहां देखिए, ये देखिए सीजनल रेनफॉल जून से सितंबर में हमारे देश के कौन से हिस्से में कितने सेंटीमीटर की रेनफॉल हो रही है वो यहां पे बता रखा है। और उसके बाद एक और आपका फिगर दे रखा है, यहां पे जो डाटा दे रखा है दोस्तों ये एनुअल रेनफॉल का डाटा दे रखा है। तो जून से सितंबर का जो रेनफॉल का डाटा है, अब जून से सितंबर का रेनफॉल का डाटा क्यों दिया, क्योंकि मैंने आपको बताया जो मानसून की मैक्सिमम बारिश होती है, हमारे देश की जो मैक्सिमम बारिश होती है दोस्तों मानसून की, वो होती है जून से सितंबर के टाइम पीरियड में, जब अरेबियन सी से और बे ऑफ बंगाल से हवा मॉइस्चर उठा के हमारे देश भर में बारिश करती है। तो जून से सितंबर मैक्सिमम रेनफॉल होगी और एनुअल रेनफॉल का अलग हिसाब है। तो बाकी जो मॉनसून है, जैसे नॉर्थ ईस्ट का मॉनसून हो गया, रिट्रीटिंग मॉनसून हो गया, उससे जो बारिश होती है, फिर साइक्लोनिक रेनफॉल हो गई, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से जो रेनफॉल हो गई, उनका जो रोल होता है दोस्तों काफी कम होता है। मेन रोल होता है हमारा मॉनसूनी रेनफॉल का, और मॉनसूनी रेनफॉल 15 जून के लमसम शुरू होगी और 15 सितंबर के लमसम वो खत्म हो जाती है। मैं लमसम बता रहा हूं, डेज ऊपर नीचे होते रहते हैं। वैसे तो देखिए टेक्निकल डेट 1 जून है, बट 1 जून को कभी मॉनसून आता नहीं है। इस बार बहुत सालों बाद ऐसा हुआ कि 1 जून को मॉनसून आ गया।
ज्यादा अगर आप करंट से रिलेटेड चीजें जानना चाहते हैं तो मेरे एडिटोरियल के डिस्कशन को देखिए। ठीक है दोस्तों, तो आप आगे चलते हैं। अगर प्रेसिपिटेशन की बात की जाए तो प्रेसिपिटेशन बारिश दो तरीकों से होती है, एक तो स्नोफॉल के हिसाब से हो सकती है। अब स्नोफॉल भाई प्लेन इलाके में तो होगा नहीं, स्नोफॉल हिमालयस में ही होगा, ठीक है। बाकी कंट्री में तो बारिश बरसता है, पानी बरसता है। एनुअल प्रेसिपिटेशन अगर आप देखेंगे तो मेघालय में 400 सेंटीमीटर की बारिश होती है, जो कि बहुत ज्यादा होती है। वहीं पर अगर आप लद्दाख में चले जाओ, वेस्टर्न राजस्थान में चले जाओ, तो 10 सेंटीमीटर की बारिश मिलेगी आपको। तो आप बोलोगे जब राजस्थान में बारिश होती नहीं तो सांभर लेक में पानी कहां से आता है, अगर लद्दाख में बारिश होती नहीं है तो पैंगोंग सो में लेक में पानी कहां से आता है। तो लद्दाख की पैंगोंग सो में जो पानी आता है वो ग्लेशियर्स के मेल्ट होने से आता है, और राजस्थान की जो सांभर लेक है उसमें जो पानी आता है वो नदियों से आता है, ठीक है। अगर हमारे देश के ज्यादातर हिस्सों को देखोगे तो उनको रेनफॉल मिलती है जून टू सितंबर में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। हमारे देश के कुछ हिस्से हैं जैसे कि तमिलनाडु, वहां पे सर्दियों में पानी बरसता है, ठीक है। उनके जो कोस्ट है वहां सर्दियों में पानी बरसेगा अक्टूबर नवंबर टाइम पे, उसका एक अलग ही लॉजिक है दोस्तों। वो लॉजिक भी मैं आपको समझाऊंगा कि हमारा जो तमिलनाडु का कोस्ट है और उसके आसपास के इलाके हैं वहां पे सर्दियों में पानी क्यों बरसता है, ठीक है। फिर मैंने आपको बताया कि कोस्टल एरियाज में जो टेम्परेचर वेरिएशन है वो बहुत ज्यादा नहीं होते हैं, कम होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखोगे हमारे देश के इंटीरियर में, जितना ज्यादा आप लैंड के अंतर चलते चले जाएंगे वहां पे सीजनल कॉन्ट्रास्ट आपको ज्यादा मिलेंगे, मतलब सीजन्स में चेंजेस आपको बहुत ज्यादा मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर आप तमिलनाडु में रहते हो दोस्तों, तो तमिलनाडु में दिसंबर के महीने में आपको ज्यादा ठंड नहीं रहेगी। मैं रहा हूं दिसंबर के महीने में तमिलनाडु में, मैं बताता हूं 2015 दिसंबर में मैं तमिलनाडु में था भैया, पंखा फुल चला के सोते थे, कोई जरूरत नहीं लगती थी। इनफैक्ट एसी भी चला के सो सकते हो, कुछ तो तमिलनाडु में ऐसे हैं जो दिसंबर में एसी चला के सोते हैं। क्या आप सोच सकते हो कि यूपी बिहार में दिसंबर में एसी चलेगा? नहीं। दिल्ली में एसी चलेगा? नहीं चलेगा। उसका रीजन क्या है? दिल्ली में, यूपी में, बिहार में कॉन्टिनेंटैलिटी का फिनोमेना बहुत तगड़ा है। वो लैंड के बहुत अंदर जाके पड़ते हैं ये जगहें, तो वहां पे भैया बहुत ज्यादा ही ठंडी पड़ती है और बहुत ज्यादा ही गर्मी पड़ती है। लेकिन जो समुन्दर के इलाके होते हैं वहां पे मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाता है पानी का। यहां पे कारण क्या है दोस्तों? कारण है द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर जो लैंड की स्पेसिफिक होती हीट होती है और जो वाटर की स्पेसिफिक हीट होती है, वाटर को एकदम से गर्म करना मुश्किल है, वाटर को एकदम से ठंडा करना मुश्किल है। लैंड बहुत जल्दी गर्म होता है व्हेन कंपेयर टू वाटर। तो वाटर को अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म करना है तो आपको ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, इतनी जल्दी वो गर्म नहीं होगा। लैंड कम हीट में उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा हो जाएगा। इसीलिए लैंड अगर ज्यादा है और आसपास कोई पानी का सोर्स नहीं है तो कॉन्टिनेंटैलिटी का फिनोमेना दिखता है, एक्सट्रीम टेम्परेचर्स मिलेंगे, या तो बहुत ज्यादा गर्मी होगी या बहुत ज्यादा सर्दी होगी। तो गर्मी हुई तो जमीन जल्दी गर्म हो जाएगी, सूरज चला गया तो जमीन जल्दी ठंडी हो जाएगी। ना समुन्द्र जल्दी गर्म होता है ना समुन्द्र जल्दी ठंडा होता है। और चूंकि जो समुद्री इलाके हैं, कोस्टल इलाके हैं, पानी के स्पेसिफिक हीट की वजह से वहां पे पानी का मॉडरेटिंग इफेक्ट आ जाएगा, ना ज्यादा जल्दी ठंडे होंगे ना ज्यादा जल्दी गर्म होंगे। इसलिए कोस्टल इलाकों में आपको टेम्परेचर में कॉन्ट्रास्ट कम मिलेंगे। अब ये चीज यहां पे लिखी नहीं है, मैंने आपको बता दी है। इस कॉन्सेप्ट को मैंने पहले भी अपनी बहुत सी वीडियोज में एक्सप्लेन किया है, ठीक है, लेकिन कोई स्पेसिफिक वीडियो शायद इसके ऊपर नहीं बनाई है, बट आई होप आपको यहाँ पे चीजें समझ में आ रही हो। नहीं समझ में आ रही तो अगली वीडियो में फिर से बताऊंगा मैं आपको। फिर हम देखते हैं दोस्तों एक फिनोमेना आपको और दिख रहा है। देयर इज अ डिक्रीज इन रेनफॉल जनरली फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट इन द नॉर्दर्न प्लेन। दीज वेरिएशंस हैव गिवन राइज टू वैरायटी इन द लाइव्स ऑफ पीपल इन टर्म्स ऑफ फूड दे ईट, द क्लॉथ्स दे वेयर एंड ऑल्सो द काइंड ऑफ हाउसेस दे लिव इन। ये कहा जा रहा है कि अगर ये इंडिया है, ये है नॉर्दर्न प्लेन्स, तो ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन में पानी ज्यादा बरसता है, वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन में पानी कम बरसता है। इसका लॉजिक क्या दिया है, मैं आपको बताता हूँ लॉजिक क्या है दोस्तों। देखिए होता यह है कि जो हमारा साउथ वेस्ट मानसून आता है, इधर से हवाएं आती, इस हवाओं की दो ब्रांच बन जाती है, एक चली जाती है अरेबियन सी की तरफ हमारे वेस्टर्न कोर्ट्स के साइड से, एक बे ऑफ बंगाल की तरफ चली जाती है, जो पूरे कॉन्टिनेंट पे आएगी, इधर से भी आएगी। अब क्या है दोस्तों, इस तरफ से जब जो हवा जाती है ना उसको नेचुरल बैरियर्स ज्यादा मिलते हैं, तो जो ईस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स है वहां पर पानी बहुत बरसता है, बट वेस्टर्न नॉर्दर्न प्लेन्स में पानी नहीं बरसता है। उसका एक रीजन एक और बहुत बड़ा है, हमारा जो वेस्टर्न इलाका है राजस्थान का, वहां पे जो अरावली रेंजेस का जो ओरिएंटेशन है वो कुछ इस टाइप का है, तो जो हवाएं आती हैं, जो रेन बेयरिंग विंड्स आती हैं, वो इसके पैरेलल चली जाती हैं। तो ये जो अरावलीज है वो एक नेचुरल बैरियर नहीं बनाता इन रेन बेयरिंग विंड्स को। अगर ये अरावलीज ऐसे ना होके ऐसे होते
तो यहां पे अगर ये रेन बियरिंग विंड्स टकराती तो बहुत सारा पानी बरसता, बहुत सारा पानी बरसता और गजब का यहां पे एग्रीकल्चर हो रहा होता। लेकिन चूंकि अरावली का जो ओरिएंटेशन है दैट इज ऑलमोस्ट पैरेलल टू द फ्लो ऑफ रेन बियरिंग विंड्स, तो पानी बरसता नहीं है, समझ गए दोस्तों। इसीलिए आप देखोगे कि अगर आप ईस्ट से, तो एक चीज तो आपको यह समझ में आई कि हमारे वेस्टर्न जो प्लेन्स है वहां पर पानी क्यों नहीं बरसता, चूंकि अरावली का जो, अरावली रेंजेस का जो आप कह सकते हो ओरिएंटेशन है वो रेन बियरिंग विंड्स के पैरेलल है। दूसरा, इधर से जो विंड्स आ रही है ईस्टर्न यानी बे ऑफ बंगाल से जो रेन बियरिंग विंड्स आ रही है उनको बहुत सारे नेचुरल बैरियर्स मिलते हैं जिसकी वजह से उनका पानी बरसता है। तो आप देखोगे दोस्तों जैसे जैसे आप वेस्ट की तरफ जाते जाओगे यानी जैसे जैसे आप राजस्थान में जाते जाओगे वहां पे आपको फ्लैट रूफ मिलेगी, वॉल्स मिलेगी, यानी कि फॉर एग्जांपल ये घर है तो घर की छत एकदम फ्लैट होगी। इनफैक्ट आप उत्तर प्रदेश में लखनऊ में भी चले जाओगे तो ज्यादातर जगहों पे दोस्तों आपको ऐसी ही फ्लैट छतें मिलेंगी। लेकिन अगर आप गोवा के या मैंगलोर के तराई रीजन में चले जाइए जहां बहुत पानी बरसता है, वहां पे जो आपको घर मिलेंगे ना उनकी जो छतें होंगी वो कुछ इस तरीके से मिलेंगी, स्लांटेड मिलेंगे कि पानी गिरे तो ऑटोमेटिकली सीप करके इधर चला जाए। क्योंकि अगर इस तराई वाले इलाके में अगर आप इस तरीके की छतें बना देते हो फ्लैट तो पानी यहाँ स्टैग्नेंट हो जाएगा, तो सीलन आने लगेगी घर में और बहुत तरीके की प्रॉब्लम हो जाएगी। तो जहां पे पानी बरसेगा दोस्तों ऑब्वियसली बात है वहां की छत को कुछ इस तरीके से बनाया जाएगा कि पानी ऑटोमेटिकली फ्लो कर जाए छत पर से। आसाम में देखोगे दोस्तों आप, आसाम में जो घर होते हैं वो स्टिल्ट पे बनते हैं। स्टिल्ट पे क्यों बनते हैं मैं आपको बताता हूं। ये देखिए दोस्तों आपको एक घर बन रहा है, आपको नीचे देखिए कि ये जो घर है जमीन पे नहीं बनाया, इसको एक एलिवेशन पे बनाया गया। कुछ जगह पे जब ये एलिवेशन पे घर बनाए जाते हैं तो नीचे जो डंडे होते हैं वो लकड़ी के होते हैं, कुछ जगहों पे वो डंडे सीमेंटेड बनाए जाते हैं। जैसे यहां पे देखिए नीचे का जो फ्लोर है यहां पे ये सीमेंटेड डंडे बने हुए, ऊपर घर बना हुआ है तो ऊंचाई पे इस घर को बना रखा है। नीचे स्टिल्ट्स हैं वो सीमेंटेड फ्लोर्स पे बनाए हैं या फिर आपके लकड़ियों के फ्लोर पे कोई कुटिया सी बनी हुई है, ऐसा क्यों होता है आसाम में? आसाम में देखिए ब्रह्मपुत्र बहती है दोस्तों और उस रीजन में बहुत जबरदस्त पानी बहता है तो फ्लडिंग हो जाती है, इतना ज्यादा पानी बरसता है कि पानी भर जाएगा घरों के अंदर अगर आप जमीन पे घर बना दोगे। इसलिए स्टिल्ट पे घर बनाया जाता है, एक ऊंचाई पे घर बनाया जाता है कि भले ही नीचे पानी भर जाए वो घर को फ्लड ना करे, समझ गए दोस्तों। तो ये है लॉजिक। यहां पे मैं अपनी इस वीडियो को खत्म कर रहा हूं दोस्तों। देखिए ज्योग्राफी की वीडियो मैं जल्दी खत्म कर रहा हूं, जो एवरेज व्यू टाइम है वो 3-4 मिनट ही है, तो मैंने सोचा कि 20-22 मिनट की वीडियो बनाता हूं। जब एनसीईआरटी की वीडियोस की एवरेज व्यू ड्यूरेशन ज्यादा नहीं है तो मैं छोटी रखता हूं वीडियोस को, ठीक है। आप वीडियोस को ज्यादा देखिए, व्यू टाइम बढ़ाइए, मैं और बनाऊंगा। वैसे भी मैं कोर्स तो पूरा कराऊंगा, अब इतने डिटेल में कोर्स अगर पूरा करा रहा हूं तो देखिए दोस्तों समय तो लगेगा ही। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू फॉर योर सपोर्ट फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।